नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएसपी 24 न्यूज। अनूपपुर में एक महिला जिसके पति की लाश बांध में मिली और अब महिला अपने पति के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंच गुहार लगा रही है। ये पूरा मामला अमरकंटक थाना क्षेत्र का है, जहां नुनघटी बांध में 10 दिन पूर्व एक अधेड़ का शव मिलने से सनसनी मच गई थी। घटना की जानकारी थाना अमरकंटक पुलिस को दी गई। पुलिस के द्वारा घटना की जांच की गई, जिसमें युवक की पहचान मनमोहन सिंह, पिता दया सिंह, निवासी ग्राम नुनघटी, उम्र लगभग 40 वर्ष के रूप में की गई। इस घटना को लेकर मृतक युवक की पत्नी ने पुलिस अधीक्षक अनूपपुर से शिकायत की है और बताया कि मेरे पति की हत्या की गई थी। आरोपियों पर कार्रवाई करने की पत्नी ने मांग की है। पीड़िता गुड्डीबाई ने लिखित शिकायत पत्र देते हुए बताया कि 19 जुलाई को शाम करीब 6 बजे अनिल शर्मा, भरत सिंह और हीरा रतन सिंह गोण मनमोहन को बुलाने घर पर आए थे। मनमोहन को नुनघटी मुख्य मार्ग पर स्थित अनिल शर्मा के होटल ले गए थे। होटल में पहले से दो अन्य व्यक्ति मौजूद थे। सभी लोगों ने शराब पीकर मनमोहन के साथ मारपीट की। पीड़िता ने ये भी आरोप लगाया कि मनमोहन सिंह को अनिल शर्मा के होटल में ही जान से मार दिया गया था। घटना को छिपाने के लिए उसकी लाश को जलाकर नष्ट करने का प्रयास किया गया, किंतु लाश पूरी तरह से न जलने के कारण सभी ने मनमोहन की लाश को नुनघटी बांध में फेंक दिया। अनिल शर्मा के होटल में अखिलेश सिंह दुर्वे काम करता था। उसे अनिल शर्मा ने अपने होटल से भगा दिया। अखिलेश ने पूरी बात अपने पिता को बताई, जिसके बाद दूसरे दिन अनिल अखिलेश के घर गया, जहां उसके पिता और उसको इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताने की बात कहते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता 20 जुलाई को जो अपने पति की तलाश करते हुए अनिल शर्मा के होटल पहुंची, तो अनिल शर्मा ने बताया कि तुम्हारा पति एक लड़की के साथ ग्राम छोटा टोला गया है। पीड़िता अपने पति की तलाश करते हुए ग्राम छोटा टोला पहुंच गई, किंतु वहां पति नहीं मिला। जब वे वापस आई और फिर उसने पति के बारे में पूछा, तो अनिल ने बताया मनमोहन ग्राम फर्री से मर चला गया है। पीड़िता गुड्डीबाई फर्री से मर गई, वहां भी पति नहीं मिला। उसके बाद एक बार पुनः गुड्डीबाई अनिल के होटल गई और उससे कहा कि मेरा पति कहाँ है। अनिल ने कहा तुम्हारा पति जम्मू कश्मीर चला गया। पीड़िता ने होटल में अपने पति के कपड़े देखे, जहां पूछा तो अनिल ने कहा कि वह दूसरे कपड़े पहनकर चला गया है। जिसके बाद पीड़िता महिला ने थाना अमरकंटक में 22 जुलाई को अपने पति के गुमशुदगी का शिकायत की थी। परेशान पीड़िता गुड्डीबाई ने अपने पति के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक के सामने न्याय की गुहार लगाई है। अब देखना होगा कि इस मामले पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है।